अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर व्लॉग्स। बेसिकली आप लोगों को पता है कि मैं दो हफ्ते से जो है गायब हो गई थी, और मैं गायब क्यों हुई थी क्योंकि मेरा ना एक और चैनल है फन विद ड्रामास, उस पर जो है मैं प्रोमोज वगैरह बना रही थी, एक और भी है लेट्स टॉक अबाउट दिस, उन दोनों चैनल्स को लेके जो है मैं बिज़ी हो गई थी, तो इस वजह से जो है ना मैं ज़्यादा प्रोमोज ज़्यादा व्लॉग्स वगैरह अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट अब जो है मुझे थोड़ा टाइम मिला है, तो इस वजह से जो है मैंने सोचा कि मैं छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ आप लोगों के लिए। यू नो मैं आप लोगों को भूली नहीं हूँ, टेंशन ना लेना। यहाँ पे जो है ना मैं प्याज वाले पकोड़े बना रही थी, मैं ना ऐसे बैठी थी और अपने फ़ोन में ना काम कर रही थी प्रोमोज वगैरह का, एडिटिंग वगैरह का, तो मम्मा ना उनका ना दिल किया कि मैंने ना प्याज वाले पकोड़े खाने, आलू और प्याज वाले पकोड़े। वैसे तो सादे प्याज वाले भी होते, लेकिन मम्मा का दिल करता था कि आलू और प्याज वाले पकौड़े जो है ना, उनकी जो रैंडमली एक क्रेविंग होती है ना, वो मम्मा को आई, तो मम्मा ने जब मुझसे शेयर किया और मुझे बताया कि मेरा वो दिल कर रहा खाने का, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है बना देते हैं मम्मा का अगर दिल कर रहा है। वैसे भी मामा जो है ना बहुत ही कम फरमाइशियाँ करती हैं कि मेरा ये दिल कर रहा है वो दिल कर रहा है, तो अगर कर भी देते तो दर्जी वाजें पूरी ही करनी होती हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं उसकी तैयारी में लग गई थी। सबसे पहले जब मैंने प्याज काटा था, और जब मैं प्याज काट रही थी ना भाई, मैं 3-4-5-10 दफ़ा जो है ना कहीं जाके मैंने मुँह धोया था, आँखें धोई थी, क्योंकि प्याज इतना तेज़ था ना और मेरी आँखों में इतना ज़्यादा जा रहा था। और दूसरी तरफ जो है प्याज की जो कटिंग है ना, जिस तरह से मैंने प्याज को कट किया है वो प्लीज़, अच्छा जिस तरह से मैंने प्याज को कट किया ना वो प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि मुझे जो है ना मैं प्रॉपरली जो है ना अभी तक जो है प्याज काटना नहीं आया, लेकिन मुझे मैं सीख लूँगी आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद जो है मैंने ना आलू कट करना शुरू किए थे, जो साइड पे छिलके पड़े हुए ना आलू के, उनको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, और वो जो है ना मेरे पास मतलब समेटने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि मसला ये हो रहा था मेरे साथ कि ना कुछ देर बाद जो है गैस चली जानी थी 10 बजे के बाद, और मुझे जो है मतलब जल्दी जल्दी जो है मैं पकौड़े बना रही थी इससे पहले कि गैस चली जाती, तो इस वजह से जो है मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी इससे पहले कि गैस चली जाए। ज़्यादा सी बात है जब आप पाकिस्तान में रह रहे होते हैं तो उन सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी, और यहाँ पे जो है मैंने नमक ऐड किया था, उसके बाद जो है लाल मिर्च ऐड की थी, और वो जो एकदम से मैंने कॉफ़ी का पैकेट अभी रखा था ना, वो मैंने वो शाम से मंगवाई भी नहीं थी, ना ही उससे फरमाइश की थी, वो जो ऐसे ले आया था कॉफ़ी, मतलब मैंने तो कहा भी नहीं था कि मुझे कॉफ़ी चाहिए, लेकिन फिर भी ले आया था। मतलब बात है कि मुझे चाहिए भी नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मेरा जब दिल करेगा कॉफ़ी पीने का तो मैं बना के पी लूँगी। फिलहाल जो है यहाँ पे मैंने बेसन ऐड कर दिया था, और उसके बाद जो है पानी ऐड किया था ताकि बेसन जो है वो अच्छी तरह से यू नो घुल मिल जाए पकौड़ों के साथ, और पकौड़ों जो भी आलू और प्याज उनके साथ। और यहाँ पे जो है ना मेरी जो छोटी बहन है वो साइड पे खड़े होकर देख रही थी मुँह खोल के, ये लगा पा था कि यहाँ पर जो है ना मेरी छोटी बहन वो ना यहाँ पर डाल रही थी अजवाइन, ये लगवा था, मैंने इसको कहा भी नहीं था, खुद ही अपनी मर्ज़ी से डालना शुरू हो गई थी। और यहाँ पर जो है हमारे पकौड़े तैयार हो रहे थे, ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था कढ़ाई में, और यहाँ पर जो है मैं पकौड़े क्या यार, और यहाँ पे जो है ना मैं पकौड़े बनाने के लिए रख रही थी, बड़े ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी टेस्टी बने हुए थे और बहुत ही मज़े के बने थे। और ऐसा नहीं कि मैं ख़ुद की तारीफ़ करने के लिए कह रही हूँ, और मुझे ना भूख भी बहुत लगी हुई थी, तो इस वजह से जो है मुझे ज़्यादा ही मज़े के लगे थे, बट बहुत ही टेस्टी थे। हमेशा की तरह जो है मैंने अगर कुछ बनाना होता तो मैं फाइनल रिज़ल्ट नहीं रिकॉर्ड कर पाती, तो इस वजह से इसका भी नहीं हो पाया, बट इस चीज़ को इग्नोर करना, दैट्स इट, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बाय बाय।